हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z GKYMK पर। आज का हमारा टॉपिक है भाई, आज की क्लास में हम करेंगे स्टैटिक जीके का अगला टॉपिक है जो कौन सा भी, यह है ऐतिहासिक इमारतें, ठीक है भाई, या स्थापत्य कला, ठीक है भाई। ऐतिहासिक इमारतें, ठीक है भी, ऐतिहासिक इमारतें है या इसी हम स्थापत्य कला भी कहते हैं भी, स्थापत्य कला, ठीक है भी, स्थापत्य कला है या आर्ट एंड कल्चर। ऐतिहासिक इमारतों को स्थापत्य कला या आर्ट एंड कल्चर भी कहा जाता है। आर्ट एंड कल्चर का हरियाणा में भी HSSC में यानी कि ग्रुप में ग्रुप डी और सी में स्पेशल टॉपिक दे रखा है, स्पेशल मेंशन कर रखा है आर्ट एंड कल्चर का, ऐतिहासिक इमारतों का टॉपिक स्पेशल मेंशन कर रखा है अभी, ठीक है। तो यो HSC की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और सेंट्रल जीके में भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, अभी हमने पीछे की क्लास में, कल की क्लास में हमने करवाया था क्या भाई, कल की क्लास में करवाया था हमने अभ्यारण्य। अगर किसी ने भी अभ्यारण्य की क्लास नहीं देखी अभी, अभ्यारण हरियाणा के अभ्यारण करवाए, जो किसी ने अभ्यारण की क्लास नहीं देखी है तो पीछे की क्लास देख सकता है प्लेलिस्ट में जाकर। अगर किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर रोज हरियाणा जीके और स्टैटिक जीके यानी सेंटर जीके की क्लास आपको इस चैनल पर मिलेगी, और विद मिलेगी भी आपने साइंस, ठीक है, क्योंकि साइंस का महत्वपूर्ण तो रोल है हरियाणा के पेपर में। साइंस अब बता दी गई है 10-15 नंबर की साइंस आओगी भाई, ठीक है, इसलिए आपको इस चैनल पर हरियाणा जीके सेंटर जीके और साइंस तीनों मिलेंगी भाई। तो आज का हमारा टॉपिक पर हम ध्यान देते हैं भाई, आज का अपना टॉपिक है ऐतिहासिक इमारतें, ठीक है भाई। ऐतिहासिक जो इमारतें है इन आप एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे भाई आप मुगलिया के बारे में, ठीक है भाई। मुगलों ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई, कौन कौन से शासक थे जिनने जो इमारतें बनवाई है, उसके बाद आप पढ़ाएंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया, इनने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी हो गया, ठीक है, इनके बारे में पढ़ाएंगे। आर्ट एंड कल्चर यानी कि महत्वपूर्ण इमारतों के बारे में आज की क्लास में पढ़ाएंगे भाई। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे इसके बारे में भाई, मुगल वंश या मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य में कौन कौन सी इंपोर्टेंट इमारतें बनी है वो पढ़ाएंगे। तो अपना पहला पॉइंट है डाल लो मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ठीक है भाई, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य में कौन कौन से शासक आए, किसने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी, कौन कौन सी इमारतें बनवाई, इनके बारे में अपन पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखो मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की स्थापत्य कला में दो चीज देखने को मिला भी, एक तो फारसी और एक भारतीय, दोनों शैली देखने को मिलती है, यानी कि मुगल लिखो भाई, ठीक है। मुगल की स्थापत्य कला में या मुगलों की था पत्ते कला में, मुगलों के स्थापत्य कला में फारसी व भारतीय, फारसी व भारतीय दोनों शैली देखने को मिलती है भाई, देखने को मिलती है। कहने का मतलब यह है कि मुगलों ने जो इमारतें बनवाई थी उसमें किन किन की झलक देखने को मिलती है, एक तो फारसी, जो फारस की जो उनकी कला करती थी, डिजाइन थी, वे देखने को मिलती है, और भारतीय, भारतीयों के, ठीक है भाई, इसलिए फारसी व भारतीय दोनों शैली देखने को मिलती है, ठीक है भाई। अगला भाई, जो मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उनने अपनी जो इमारतें बनवाई थी ऐतिहासिक इमारतें, उनमें संगमरमर के पत्थर का भी उपयोग किया था पहली बार,
संग मरमर के पत्थर प्लस में एक इन पर कह रहा था पत्थरों पर नक्काशी यानी कि पत्थरों पर डिजाइन की आकृति शुरुआत करी थी भी पत्थरों पर नक्काशी नक्काशी की शुरुआत को बढ़ावा दिया था भी की शुरुआत को बढ़ावा दिया भाई ठीक है। इससे पहले जितने भी महल बने थे या जो भी भाई मकबरे कुछ भी बने हो ठीक है उनमें संगमरमर का उपयोग नहीं किया जाता था और संगमरमर का अगर कहीं भी उपयोग किया जाता था तो उन्हें उनकी नक्काशी नहीं करी जाया करती ठीक है। हमारा लाल बलुआ पत्थर इनका उपयोग किया जाया करता। अगला भाई जो मुगल है इनने कौन कौन सी बिल्डिंग बनाने को जोड़ दिया मकबरे इनने जोड़ दिया भाई मकबरे बनाने पे मकबरे बनाए मस्जिद इनने किस किस चीज पर जोड़ दिया भाई मकबरे मस्जिद महल महल स्मारक महल स्मारक में बाग लगवाए भाई बाग भी लगवाए यानी कि जिस प्रकार की मुगल गार्डन था जो अपना राष्ट्रपति भवन में उसका नाम बदल के कर दिया गया था अमृत ठीक है गार्डन। इससे डाल इन भाई बागों के निर्माण करवाए मकबरे बनवाए मस्जिद बनवाए महल बनवाए ये कई डाल के स्मारक बनवाए ठीक है भाई। नोट करो फिर आप स्टार्ट कराएंगे भाई बाबर ठीक है बाबर का बारे हम पढ़ाएंगे बाबर ने के बनवाया तो बाबर ने आगे डाल दो छोटा पॉइंट बाबर ठीक है भाई। बाबर कब तक अबती रहा बाबर का शासनकाल पहले तो यू पॉइंट नोट कर लो अब बाबर 1526 से 1530 तक रहा था भाई ठीक है। इसमें अपना रिवीजन भी लग जाएगा भाई स्टैटिक जीके में हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी साइंस सब का रिवीजन लग जाएगा ठीक है। तो भाई बाबर का बार हम पढ़ाएंगे बाबर किस वंश का संस्थापक है भाई मुगल वंश आगे लिख लो मुगल वंश का संस्थापक मुगल वंश का संस्थापक कौन भाई बाबर है कब तक कबती रहा 1526 से 1530 रहा था ठीक है। बोले इसने बाबर ने कौन कौन सी जो मस्जिद है वो मस्जिद है महल बनवाई थी तो देखो भी एक तो जामी मस्जिद बनवाई थी जामी मस्जिद या जामी मस्जिद भाई जामा मस्जिद अलग है या जामी मस्जिद है या है संबल में है भाई ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की क्लास भाई इंपॉर्टेंट है हरियाणा के पेपरों के लिए भी सेंटर खातर तो है ही है ठीक है। अगला है भाई एक तो होगी भाई जामी मस्जिद यह कितना है जामी मस्जिद है संबल में अगली है आगरे की मस्जिद आगरे की मस्जिद तो आगरे की मस्जिद सिंपल ही बात है भैया किधर है आगरा में है ठीक है। और कहां बनवाई गई थी आगरे की मस्जिद आगरा में लोधी के किले में लोधी के किले में जो लोधी का किला था ना उसमें आगरे की मस्जिद बनवाई थी किसने बनवाई थी बाबर ने। अगला पॉइंट है बाबरी मस्जिद इंपॉर्टेंट है बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया जो कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी उस बाबरी मस्जिद को ढांचे को ढाकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दी भी आड़े राम मंदिर था और राम मंदिर का निर्माण होगा अब राम मंदिर का निर्माण चल रहा है बाबरी मस्जिद या बाबरी मस्जिद यूपी में भाई अयोध्या में इसका निर्माण किसने करवाया था बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था बाबर के सेनापति जिसका नाम क्या है मीर बाकी ठीक है भाई मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। अगली है भाई काबुली बाग मस्जिद
हरियाणा वाले छुई भी होगी, काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद की था भाई, काबुली बाग मस्जिद है पानीपत में, पानीपत हरियाणा। ठीक है भाई, इन इन जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, मंदिर ये मस्जिद है, महल है, ये निर्माण करवाया था किसने? बाबर ने। नोट करो, फिर कराएंगे अगला भाई। बाबर का पुत्र का क्या नाम था? बाबर के बेटे का नाम था हुमायूं, हुमायूं को बारह कराएंगे। ठीक है भाई, तो अगला पॉइंट डाल लो भाई, हुमायूं। अगला कौन सा भाई? हुमायूं। ठीक है भाई, हुमायूं, हुमायूं किसका पुत्र है भाई? हुमायूं बाबर का पुत्र है, बाबर का पुत्र था। अब देखो इसका शासनकाल कब से कब तक था? इसका शासनकाल 1530 है, 1530 से लेके 1540 तक था। ठीक है भाई, लेकिन 1540 के बाद क्यों है, वैसे भटकता रहा बीच में, फिर 1555 में दोबारा इसका शासन होया और 56 तक रहा भाई, फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1530 तक कर लो 1540, फिर इसके बाद कर लो 1555 तक 56 जो इसका शासनकाल है भाई। 1530 से 40 लगातार शासन किया, उसके बाद कौन आ गया भाई? शेरशाह सूरी आया था बीच में, 40 से 55 थी शेरशाह सूरी और उसके पुत्र ने शासन किया, फिर इसके बाद 55 से 56 थी एक साल इसने शासन किया, फिर पुष्टकालय की सीढ़ियां गिर के लुढ़कता हुआ गुड़ता हुआ इसकी मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है, तो देखो हुमायूं ने दो चार इमारतें बनवाई थी, एक है दीन ए पन्हा। ठीक है भाई, हुमायूं ने दीन ए पन्हा, दीन ए पन्हा बनवाई हुई बिल्डिंग। ठीक है, इसको दीन ए पन्हा को विकसित किया, दीन ए पन्हा एक नगर बनाया था भाई। ठीक है, दीन ए पन्हा एक नगर बनवाया। ठीक है भाई, अगला दीन ए पन्हा पुस्तकालय, दीन ए पन्हा एक नगर बनवाया और दीन ए पन्हा में एक, दीन ए पन्हा में एक पुस्तकालय बनवाया, दीन ए पन्हा पुस्तकालय। ठीक है भाई, दीन ए पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी भाई, इसकी हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी भाई। एक इतिहासकार ने कहे थे भाई हुमायूं लटकता 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 मतलब लड़कर डालता हुआ मर गया था, क्योंकि इसका जन्म हुआ था उस टाइम पे भी बहुत सारी समस्याएं थी, और जब इसने शासन कराया 1530 से 45 के बीच में, उसके बाद शेरशाह सूरी था भाई, उसने कब्जा कर लिया इसकी सल्तनत पे, और फिर बेचारा ने दोबारा इस पर शासन जमाया 55-56 में, एक साल बाद फिर पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर कर मृत्यु हो गई थी। इस कारण लड़खड़ांदा शासक आया था भाई, दुखी होके मरा था बेचारा। ठीक है, अगला है अकबर, अकबर इंपोर्टेंट है भाई, क्योंकि अकबर और जो शाहजहां है, इन दो ने सबसे ज्यादा इमारतों का निर्माण करवाया था। तो देखो अकबर का शासनकाल कब तक कब था? यो है 1556 से लेके 1605 तक था भाई। ठीक है, तो देखो भाई अकबर ने क्या करवाया था? फतेहपुर सिकरी का विकसित करवाई हुई। ठीक है, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी कहां पर है? यह आगरा में, इसका विकास करवाया था किस खुशी में करवाया था भाई? गुजरात विजय की खुशी में,
गुजरात, विजय के उपलक्ष पर, उपलक्ष पर, यानी कि जब गुजरात को जीत किया आया तो इसने क्या करवाया था भाई, फतेहपुर सीकरी एक नगर बसाया था, एक शहर बसाया था जो कड़ा है भाई यो है आगरा में। इसने अकबर ने कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई थी, इमारतें बनवाई थी, पहला है बुलंद दरवाजा, जो तो लिखूंगा वे सारी फतेहपुर सीकरी में होगी, ठीक है भाई। एक है बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा भाई एक तो, दूसरा है जोधा बाई का महल, दूसरा कौन सा भाई, जोधा बाई का महल, ठीक है भाई, जोधा बाई का महल। इसके बाद क्या करवाया, दीन ए खास, एक बिल्डिंग बनवाई थी जिसका नाम क्या है, दीन ए खास, दीन ए खास, ठीक है भाई। दीन ए खास के बाद अगली एक बिल्डिंग बनवाई थी जिसका क्या नाम है, आगरा का किला, आगरा का किला, ठीक है भाई। दीन ए खास बनवाई थी, आगरा का किला बनवाया था, इसके बाद बनवाया था इलाहाबाद का किला, यो भी किता भी आगरा में इलाहाबाद का किला। अगला है इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला। इसके बाद क्या भाई, इबादत खाना, इबादत खाना वो है रजड़ी भी, जिस प्रकार अपना मंदिर है, मंदिर में आप पूजा कर रहा, उसी प्रकार इबादत खाना रजड़ी इनके भी भगवान की इबादत कराया करते हैं, इबादत खाना। इबादत खाना। और इसके बाद अगली एक बिल्डिंग है जिसका नाम क्या है, दीवान ए आम, एक है भाई दीवान ए आम। पहला तो ये देखो भाई, ये सारी किथे है, ये है फतेहपुर सीकरी में, सीकरी फतेहपुर सीकरी कड़ा है, यह है आगरा में, यह किथे है आगरा में, ठीक है भाई। अगला कौन सा भाई, अगला क्या बनवाया था, किसने बनवाया था, दीवान ए आम, दीवान ए आम, यो भी किथे भाई, यो भी है फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी। इसके बाद अगला है भाई जिसका नाम क्या है, हवा महल, हवा महल भी भाई किथे है, हवा महल, यो हवा महल जयपुर वाला हवा महल नहीं है, यो आगरा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में अकबर ने, हवा महल की तभी फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी की तभी आगरा में। इसके बाद एक किला और बना दी लाहौर का किला, यो है लाहौर में, आज का टाइम लाहौर की था पाकिस्तान में, लाहौर का किला यू है भाई लाहौर, जो एट प्रेजेंट की था भी पाकिस्तान में, पीए की पाकिस्तान में, नोट करो भाई, नोट करो एक बार, फिर कराएं अपन जहांगीर, नोट करो एक बार। अब अगला पॉइंट डाल लो भाई जहांगीर, अगला पॉइंट अभी अपना जहांगीर, ठीक है भाई। जहांगीर का शासन काल तब से कब तक था भाई, 1605 तक 1627 थी था, 1605 से
1627 तक कौन था भाई, किसका शासनकाल था? ये था जागीर का। ठीक है भाई, जागीर ने कुछ इमारतों का निर्माण करवाया था, जिसमें सारे में पहला कौन सा भी, अकबर का किला भाई, और अकबर का मकबरा है, अकबर का मकबरा, जो अकबर का मकबरा की तभी यू है सिकंदरा में, सिकंदराबाद। ठीक है भाई, इसके बाद है नूर जहां ने, हाँ जागीर ने अकबर का मकबरा बनवाया सिकंदराबाद में। एक इस जागीर की पत्नी है जिसका नाम क्या है, नूर जहां, नूर जहां, नूर जहां ने अपने पिता का मकबरा बनवाया था भी, पिता का मकबरा बनवाया था जिसका नाम क्या है, एतमा दुदौला का मकबरा, एतमा दुदौला का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा कटा गई है आगरा में। ठीक है, किसने बनवाया, नूर जहां ने। इस नूर जहां ने एक काम और करवाया था, जो कि भी जागीर का मकबरा बनवाया था, इसकी मृत्यु हो गई थी भाई साहब की, फिर बनवाया जहांगीर का किला, जहांगीर का, सॉरी जागीर का किला नहीं, जहांगीर का मकबरा बनवाया था भी, मकबरा जहांगीर का मकबरा, कित बनवाया भाई जहांगीर का मकबरा, जो बनवाया लाहौर, लाहौर कड़े है आज का टाइम पे पाकिस्तान में, नोट करो। इसके बाद करेंगे भैया अगला शासक का क्या नाम है, औरंगजेब, सॉरी औरंगजेब कह रहा हूं, शाहजहां। जो इमारतें हैं ऐतिहासिक इमारतों में सबसे ज्यादा रोल है के तो अकबर का और एक है शाहजहां का, क्योंकि अकबर ने और शाहजहां ने सबसे ज्यादा इमारतें बनवाई थी भाई। ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड पे तो शाहजहां ही शाहजहां होगा, तो नोट कर लिया, तो देखो शाहजहां इंपोर्टेंट है भाई, शाहजहां। शाहजहां शाहजहां कब से कब तक था भी शासक, 1627 से 1657 तक था। ठीक है भाई, 1627 से 1658 तक शासक कौन था भी, शाहजहां था। इसका शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता भी। ठीक है, इसके शासनकाल को था पत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है भी, स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि भाई इसमें शौक था नई नई बिल्डिंगें बनवाने का। ठीक है, इसने अपनी जितनी भी इकोनॉमिक्स थी ना, जितना भी अर्थव्यवस्था थी, सारी किस्म गवा दी बिल्डिंग बनवाने में, जितने भी हीरे जवाहरात भाई, लाल किला बनवा दिया, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल, ये सारी इसकी देन है भाई। ठीक है, तो इसके द्वारा बनाई गई जो ऐतिहासिक इमारतें, देखो भाई कौन कौन सी है, सबसे पहले देखो लाल किला, लाल किला, लाल किला है दिल्ली में, एक बार देखो कौन कौन सी है, लाल किला है, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। ठीक है भाई, लाल किला, मोती मस्जिद, रंग महल, अगली कौन सी है भाई, रंग महल, रंग महल। ठीक है भाई, इस तरह आगे कौन सी बिल्डिंग बनवाई थी इसने, रंग महल के बाद इसने बनवाई थी जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, एक जामी मस्जिद है, जामी मस्जिद बनवाई थी भाई बाबर ने, और जामा मस्जिद यह बनवाई थी अकबर ने, सॉरी इसने शाहजहां ने। ठीक है भाई, जामा मस्जिद किधर है, दिल्ली में। इसके बाद कौन सी है,
दीवान एम, दीवान ए आम, ठीक है भाई। दीवाने आम का बाद क्या है, दीवाने खास, इसका बाद अगली बिल्डिंग है दीवाने खास, दीवान ए खास, दीवाने खास। ये जितने भी इमारतें हैं भाई, ये सारी इमारतें की थरी है दिल्ली में, ठीक है भाई। इसके बाद अगला एक है, एक बिल्डिंग और बनवाई थी इसने, जिसका नाम क्या है, शीश महल। शीश महल यानी कि वो सारा महल किसने बनवा रखा था अभी, शीशे से बनवा रखा था, ठीक है भाई, आईनों से बनवा रखा था शीश महल, या आईने महल भी कह पर यू है कि तभी। शीश महल है लाहौर में, पाकिस्तान में आज का टेम्पल लाहौर, लाहौर में है भाई, ठीक है। फिर इसने बनवाया खास महल, अगली इमारत थी खास महल, खास महल। इसके बाद अगली है भाई ताजमहल, खास महल, ताजमहल, खास महल, ताजमहल। और अगली इमारत का क्या नाम है भाई, उसका है मोती मस्जिद, सॉरी यहाँ पर यो मोती मस्जिद नहीं, यहाँ पर यो मोती महल है भाई, ठीक है। दिल्ली में तो मोती महल है, पर जो मोती मस्जिद है वह है कित आगरा में, मोती मस्जिद, ठीक है भाई, मिस्टेक आड़े मस्जिद लिखा गया था, आड़े है मोती महल और मोती मस्जिद की था भाई, यह है आगरा में। अगली अभी नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद यह भी की था भाई आगरा में। और इसके बाद है जामी मस्जिद, जामी मस्जिद यह भी कहां पर है भाई, आगरा में है। तो ये जितनी भी इमारतें ये कहां पर है, ये है आगरा में, ठीक है भाई, कॉपी करो एक बार। फिर चार पॉइंट लिखने यहां पर है औरंगजेब के, आड़े डाल लो औरंगजेब, आड़े डाल लो औरंगजेब, औरंगजेब। पहला तो देखो भाई औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था, 1658 तक, 1658 तक, 1707 तक था भाई किसका शासनकाल, औरंगजेब का, ठीक है भाई। औरंगजेब ने एक महल बनवाया था, ठीक है भाई, मकबरा बनवाया था, कहने का मतलब वो अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, ठीक है। पत्नी का नाम क्या था, रबिया, पत्नी का नाम था भाई रबिया उद दरजात, रबिया उद दरजात, ठीक है भाई। इसका मकबरा बनवाया, और इसका मकबरा कहां पर है, वो है औरंगाबाद में, का मकबरा, इसका मकबरा कहां है भाई, औरंगाबाद में, औरंगाबाद में भाई इसका मकबरा, जो रबिया उद दरजात का मकबरा है, इससे नाम क्या भाई, इससे का नाम क्या है, बीबी, बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, बीबी का मकबरा, ठीक है भाई। इस बीबी के मकबरे को ताजमहल की फूड नकल कहा जाता है, या ताजमहल की नकल कहा जाता है, जो बीबी का मकबरा की है, ताजमहल की नकल, ताजमहल की नकल, प्रश्न आ जाए ताजमहल की नकल किस मकबरे को कहा जाता है, तो बीबी का मकबरा है, वैसे बीबी का नाम बुझ रहे कहीं पर नाम आ जाए तो रबिया उद दरजात का मकबरा भी, ठीक है। एक इंपोर्टेंट पॉइंट यू बन गया भाई, 1707, 1707 के बाद जो मुगल है, मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया था भाई, ठीक है। मुगलों
का पतन, मुगलों का पतन शुरू हो रहा था, ठीक है। तो भाई मुगल ने जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें बनवाई थी वे सारी अपन ने कवर कर लिया आज की इस क्लास में, नोट करो एक बार। फिर आप कल की क्लास में करेंगे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में जो इंपोर्टेंट शासक थे जिनने इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बिल्डिंग बनवाई, ठीक है, यानी कि ऐतिहासिक इमारतें बनवाई, जैसे कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, इनका बारे में कल पढ़ाएंगे अपन। तो कल का अपना टॉपिक कौन सा भी, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में बनवाई गई ऐतिहासिक इमारतें भाई, इमारतें, यू अपना कल का टॉपिक, दिल्ली सल्तनत में बनवाई गई ऐतिहासिक इमारतें कल का टॉपिक है अपना। तो आज की अपनी क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो भाई आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाई, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।